हेलो फ्रेंड्स, आर के सिलिट्री गार्डन में आपका स्वागत है। मैं आपको बताऊंगा आज कि किस तरह से ग्राफ्टेड पर नॉन ग्राफ्टेड हो जाते हैं, नर्सरी से लाने के बाद वो हो जाते हैं। इसमें कोई नर्सरी वाले की गलती नहीं होता है, वो थोड़ा सा केयर नहीं करने की वजह से हम लोग खुद से ग्राफ्टेड पेड़ को नॉन ग्राफ्टेड बना देते हैं। तो देखेंगे कि किस तरह से हम इसे नॉन ग्राफ्टेड होने से बचाएंगे। तो चलिए, देखने से पहले वीडियो को, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरह के जो भी वीडियो हम पब्लिश करेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचेगा। ये देखिए, ये मेरा खुद से ग्राफ्टेड किया हुआ अमरूद का पेड़ है, जो कि थाईलैंड पिंक वैरायटी है। और ये है जो मैं बीज से तैयार किया था पेड़, ठीक है। और ये है थाईलैंड पिंक वैरायटी अमरूद, आप देख सकते हैं इसका ग्रोथ कितना अच्छा है और कितने लंबे हैं, ये भी आप देख सकते हैं। और तो ध्यान इस यही रखा जाता है, ये देखिए आप देख सकते हैं, आप देख पा रहे हैं कि नहीं, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटा छोटा सा ये बगल से ये देखिए प्लांट आ रहे हैं। ये इसको हम तोड़ देंगे, एक इधर है और एक यहाँ है, इसको भी तोड़ देंगे। और आप देख सकते हैं एक यहाँ भी है, इसको भी तोड़ देंगे और इसको भी तोड़ देंगे। होते क्या है कि ये जो छोटे छोटे जो आते हैं, ये जो छोटे छोटे आप देख रहे हैं, ये नई नई जो कलियाँ आते हैं, तो ये कलियाँ अगर ये बीज से जो तैयार किए हैं तो ये कलियाँ इसमें निकलते हैं इस साइड से ढेरों सारे। और ये ग्राफ्टिंग किया हुआ प्लांट से काफ़ी तेज़ी मात्रा में ये बढ़ते हैं, और बढ़ते इसलिए है क्योंकि ये नीचे रहते हैं, जो भी यहाँ से ये पौधा प्लांट भोजन अपने लिए तैयार करता है ये कलियाँ सब ले लेते हैं। और ये ग्राफ्टेड किया हुआ प्लांट से कई गुना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जिसके वजह से ग्राफ्टेड किया हुआ प्लांट से तेज़ी इसमें ग्रो होता है, और ग्राफ्टेड प्लांट से कई गुना ज़्यादा खूबसूरत प्लांट ये जो बगल से जो निकलते हैं बीज से जो कली उसमें हो जाते हैं। तो इसको बचाने के लिए हम करेंगे क्या, सिंपल फंदा है, कुछ नहीं करना है। यहाँ से ये यहाँ तक ग्राफ्टेड है, ठीक है, और ये पर्सन ये बीजू का है, ठीक है, और ये मदर प्लांट थाईलैंड पिंक वैरायटी का है। तो आप खुद से ग्राफ्टिंग किया हो या नर्सरी से ग्राफ्टेड पेड़ लाए हो, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये ग्राफ्टेड के नीचे अगर कोई अनदर ब्रांच आ रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे, देखिए इधर गया, ये देखिए इस तरह से अगर छोटे छोटे ब्रांच आ रहे हैं तो उसको आने न दे, उसको हमेशा ध्यान रखें और इस तरह से तोड़ते रहे, जिस तरह से हमने यहाँ से भी तोड़ा, देखे एक और था। ये काफ़ी मात्रा में जो बीजुका जो होता है, बीजुका जो ये इतना दूर है, इसका फुनी काट चुके हैं, ये काफ़ी मात्रा में ये इस तरह के ब्रांच देते हैं, और यही ब्रांच काफ़ी तेज़ी से ग्रो होता है, और ये प्लांट जो होता है ग्राफ्टेड प्लांट जो होता है वो मर जाता है, यानी सूख जाता है। और यही जो साइड से जो ब्रांच निकलता है वही काफ़ी तेज़ ग्रो करता है, जिसके वजह से हम लोग भी देखते हैं कि मेरा खूबसूरत प्लांट हो गया है, लेकिन हमें ये नहीं पता रहता है कि ये एक जो बीज से तैयार किया हुआ है उसमें से जो डालिया है निकला हुआ है, इसीलिए ग्राफ्टेड पे नॉन ग्राफ्टेड हो जाते हैं। हम ब्रांच को छोड़ देते हैं और बहुत ही तेज़ी से वो ग्रो कर जाते हैं। तो हम सोचते हैं कि आखिर हमने तो लाया था थाईलैंड पिंक वैरायटी ग्राफ्टेड अमरूद, नर्सरी वाले ने बोले थे भैया
कि ये थाईलैंड पिंक वैरायटी है, आखिर ये इस तरह से अनदर क्यों निकला, थाईलैंड पिंक वैरायटी क्यों नहीं निकला। तो इसका मेन मुख्य कारण यही होता है कि ग्राफ्टेड पर्सन के नीचे से जो अनदर ब्रांच निकलते हैं वो काफ़ी बहुत ही तेज़ी से ग्रो करते हैं, और वो इतने मतलब खूबसूरत हेल्दी इस प्लांट जो ग्राफ्टेड प्लांट होते हैं उसके मुताबिक होते हैं कि हम लोग भी समझ नहीं पाते हैं कि आखिर किसको रखें। कितने बार तो हम लोग ग्राफ्टेड प्लांट को ही क्या करते हैं कि इसको यहाँ से या यहाँ से कहीं से काट देते हैं, और क्या होता है कि नॉन ग्राफ्टेड वाला जो होता है नीचे से जो ब्रांच निकलते हैं उसको हम रख लेते हैं, और रख लेते हैं तो वो तो ग्राफ्टेड ख़त्म हो गया ना। ग्राफ्टेड तो यहाँ से था और इसके नीचे से निकला है ना, तो वो तो इसी तरह से जंगली पौधा हो गया ना, बीज से तैयार किया हुआ, तो उसका कोई गारंटी थोड़े ना है कि किस तरह से निकलेगा। तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि ग्राफ्टेड के नीचे से जो भी ब्रांच निकले, जो भी शाखा निकले, उसको हम टाइम टू टाइम देख करके तोड़ते रहेंगे, और जितना छोटा निकले उसी टाइम तोड़ देंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि बड़ा होगा फिर तोड़ेंगे तो काफ़ी सारा यहाँ से जो फूड मटेरियल जो पौधे तैयार करते हैं अपने प्लांट के लिए वो तो खा चुका रहेगा, तो वो वेस्ट चल जाएगा। इसलिए जितना छोटा सा ही निकले उस टाइम ही हम उसको तोड़ देंगे, रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है, ताकि मेरे प्लांट मरे ना और नॉन ग्राफ्टेड ना हो। कैसा लगा आपको इन्फॉर्मेशन कमेंट में आप बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।